नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंसान की जिंदगी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है, लेकिन कई बार इसमें ऐसे मोड़ आते हैं जब जिंदगी खुद भार बन जाती है। इसमें भी जो हिम्मत नहीं हारते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, उनके संघर्ष का नतीजा कई बार बड़ा अच्छा निकलता है। मानो ईश्वर ही किसी न किसी फरिश्ते को मदद के लिए भेज देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है 18 महीने के नजफगढ़ निवासी कनव के साथ। कनव के पिता का नाम अमित, माता का नाम गरिमा है और वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 यानी कि SMA 1 से ग्रसित निकले। सर गंगाराम अस्पताल में जांच हुई, उसके बाद एम्स में, और दोनों जांच में यही बीमारी निकली जो कि बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही खर्चीली भी। पूरे भारत में ऐसे 9 केस मिले हैं। दिल्ली का ये पहला केस था और उसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरत थी 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की, जो भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में उपलब्ध था। ऐसे में परिवार को आगे पीछे कुछ नहीं सूझ रहा था। इसके बाद किसी तरीके से परिवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला और वहाँ से फिर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, वो क्राउड फंडिंग और डोनेशन के जरिए लोगों की मदद करते हैं, क्राउड फंडिंग के लिए अपील की और आ गए 10.5 करोड़ रुपए। फिर कंपनी से संपर्क किया गया कि हम 10.5 करोड़ जुटा पाए। कंपनी 17.5 करोड़ का इंजेक्शन 10.5 करोड़ में देने को तैयार हो गई। भारत सरकार ने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी और कनव अब हंसता खेलता आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को जब ये बात पता चली, पता तो पहले से थी, ये बात पता चली कि कनव अब ठीक हो रहा है, तो मिलने पहुंचे और बच्चे से मिलकर वो भी खुश हुए और सबका शुक्रिया अदा करते नजर आए। सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे और धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो ऊपर शरीर पे जाने लग गई। उनका धीरे धीरे एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमरीका से आएगा और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेयर डिजीज है। इनका बताना है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे 9 केस, भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल और दिल्ली में ये पहला केस है। तो इन्होंने 17.5 करोड़ की मेडिसिन, ये बेचारे कैसे, एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 17.5 करोड़ लाएगी। तब इन्होंने हमारे MP संजीव अरोड़ा जी से संपर्क किया जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के MP हैं। संजीव अरोड़ा जी बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, इनकी कई सारी NGOs हैं और उन NGOs के थ्रू ये लोगों के लिए मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनव को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। बहुत लोगों ने डोनेट किया, इस देश के अंदर अच्छे दिल वालों की, दानवीरों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग सामने आए। कुछ लोगों ने संजीव अरोड़ा जी से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे के लिए आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक बच्चा हो सकता है, उनके माँ बाप से पूछ के देखो, माँ बाप के लिए तो वो बेशकीमती बच्चा है। तो किसी तरह से इनको सब तरफ से मदद मिली, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इनको मदद की, मैं उन सारे सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने सभी पार्टीज़ के MPs से मदद ली और कई पार्टीज़ के दूसरे MPs ने भी मदद की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ख़ासकर पंजाब केसरी अखबार वालों ने बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स इस बच्चे के डोनेशन रेज करने के लिए, अविनाश चोपड़ा जी ने
छापे उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फाइनली 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई 17.5 करोड़ का है, हमारे पास 10.5 करोड़ आ गए, अब इंजेक्शन दे दो। तो कंपनी वालों ने भी सहयोग किया, तो उन्होंने 10.5 करोड़ रुपए में ही वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भेज दिया। हम कंपनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी, तो हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से अब इस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे पहले हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है बच्चे। कनव के माता पिता के आंखों में देखिए कितनी चमक है। बच्चा तो अभी ना समझ है, वो तो बस दर्द झेल रहा था और अब किलकारी भर रहा। लेकिन हम और आप समझ सकते हैं कि एक मध्यम श्रेणी के परिवार पर जब ऐसा संकट आए तो जो कोई भी मदद करता है वो फरिश्ता सरीखा ही। रहिए न बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।